दोस्तों, बॉलीवुड के नशेड़ियों ने सारे जतन करके देख लिए, लेकिन लोगों का प्यार उन्हें वैसा नहीं मिल पा रहा जैसा सुशांत के जाने से पहले मिलता था। यही वजह है कि सारे के सारे भांड आजकल नौटंकी की दुकान खोलकर बैठे हैं। कोई बाप को याद करके इमोशनल होने का नाटक कर रहा है, तो कोई पति की याद में 2 साल बाद आहें भर रही है, तो इधर चुलमान दादू ने एक अलग ही तरह का गोबर कर रखा है। चुलमान दादू की हाल ही में हमने एक वीडियो देखी जिसमें वो आईपा अवार्ड में बात कर रहा है। उसमें वो माइक पकड़कर लोगों को बता रहा है कि उसकी लाइफ में सबसे यादगार पल कौन सा था, सबसे बुरा समय कौन सा था। दरअसल आईपा अवार्ड में रितेश देशमुख ने दादू से पूछा कि आपकी लाइफ का सबसे यादगार मोमेंट कौन सा है, तो चुलमान दादू ने जो जलवा बिखेरा, भाई क्या कहने। ईमानदारी से बताना, क्या इस इंसान के मुंह से ये बातें कहीं से भी अच्छी लग रही थी कि इसके पास कपड़े खरीदने को पैसे नहीं थे। 70-80 के दशक में इसका बाप सबसे महंगे राइटर्स में से एक था, करोड़ों की संपत्ति का मालिक था, और इन सभी भाई बहनों की परवरिश फुल अय्याशी और फुल रईसी में हुई है, और ये खुद भी फिल्मों में जल्दी ही आ गया था। और अब इसका ये ड्रामा चल रहा है कि शुरुआत में मेरे पास कपड़े तक खरीदने के पैसे नहीं थे। 1988 के बाद से ये इंसान लगातार फिल्में कर रहा है, और ये हर साल 2-2, 3-3 फिल्में करता है। साल 2000 से पहले हर साल इसकी 5-5, 6-6 फिल्में आती थी। वो बात और है कि वो ज्यादातर फिल्में फ्लॉप होती थी, लेकिन फिल्मों के पैसे तो इसको मिलते थे ना। फ्लॉप होती थी तो इसमें इसकी खुद की गलती थी। एक्टिंग के नाम पर छिछोरापन करता था तो इसमें पब्लिक क्या करती। और बंदा ऐसे दिखा रहा है कि सुनील शेट्टी ने कपड़े दिए, ये दिया वो दिया, घर पर लेकर गया। अबे ओ, जंगल के पुराने बरगद के पेड़ से भी पुराने प्राणी, कुछ तो शर्म कर ले भाई, बुढ़ा हो रहा है। लेकिन नाटक ऐसे कर रहा है जैसे न जाने कितने गरीब परिवार से बिलोंग करता है। ये इसका स्ट्रगल है, मतलब ये अभी भी अपनी फिल्मों की कहानी पर, डायरेक्शन पर, एक्टिंग पर ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहे। अभी भी लगे पड़े हैं कि लोगों को किसी भी तरह से इमोशनल फूल बनाया जाए, लोगों को पागल बनाया जाए और सिंपैथी गेन की जाए। यार हद हो रही है, और रोता हुआ कितना गंदा लग रहा है ये इंसान। हमें तो इतनी हंसी आई इसे ऐसे नाटक करते देख कि इसने तो राखी सावंत और उर्फी जावेद को भी फेल कर रखा है। इसकी इस क्लिप को देखकर एक बात तो पक्का है कि अगर ये लड़की होती तो राखी सावंत, उर्फी जावेद और पूनम पांडे को कड़ी टक्कर देती, और आइटम सॉन्ग्स तो इसे इतने मिलते कि हेलन ने भी इतने नहीं हिलाए होंगे जितने ये हिलाती। हम इस दद्दू से कहना चाहेंगे कि चाहे जितनी कोशिश कर लो, चाहे जितने मगरमच्छ के आंसू बहा लो, लेकिन अब तुम्हारा बीइंग ह्यूमन के पीछे छिपा असली चेहरा सब देख चुके हैं, और अब उम्मीद भी मत करना कि तुम्हारी ऐसी ड्रामेबाजी से लोग भावुक होकर तुम्हारी फिल्में फिर से हिट करा देंगे और तुम्हारी दुकान एक बार फिर चल पड़ेगी। और सुशांत के साथ तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद तो लोग तुम्हें वैसे ही कभी भी माफ करने वाले नहीं है, और ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है, और इसीलिए अब तुम ये सिंपैथी कार्ड खेलने पर उतर आए हो और वक्त वक्त पर दुनिया के सामने नकली आंसू बहाते नजर आते हो। लेकिन याद रखना, लोग भावुक हो सकते हैं, बेवकूफ नहीं। क्या आप इस बुढ़ऊ दद्दू को कभी माफ कर पाएंगे जिसने करण जौहर और आदित्य चोपड़ा के साथ मिलकर सुशांत को हर बड़े बैनर से बैन करवाया और उन्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक एनजीओ के बारे में। एनजीओ है बॉलीवुड का, एक बहुत बड़े सो कॉल्ड सुपरस्टार का। इस एनजीओ के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। आज उसी पर बात करेंगे कि इस एनजीओ को क्यों बनाया गया और आज के समय में उसमें क्या क्या हो रहा है। यह जो एनजीओ है, इसका मालिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सुपरस्टार माना जाता है। फुटपाथ पर सोए हुए लोगों को कुचल देता है, जानवरों को वो अपने शौक के लिए मार देता है। अब हमें लगता है कि आपको इस एनजीओ या इसके सुपरस्टार का नाम लेने की जरूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। दरअसल 1998 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक एक्टर एक जानवर का शिकार करता है, एक ऐसे जानवर का जिसकी हत्या करना सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, क्योंकि उस प्रजाति के जानवर हिंदुस्तान से विलुप्त होते जा रहे हैं। और सरकार का ये भी कहना है कि अपने शौक के लिए किसी निर्दोष बेजुबान जानवर को मारना आपराधिक कृत्य है, लेकिन इस सुअर स्टार ने अपने शौक और मजे के लिए उस जानवर का शिकार किया, तभी इस पर केस दर्ज हो गया और 1998 से ही इस एक्टर पर आपराधिक केस चलने लगा। अब बात करते हैं एनजीओ की। एनजीओ की स्थापना की गई 2007 में, और इसका ये मालिक जो सबका भाईजान बना फिरता है, ये इसका असली मालिक नहीं है दोस्तों। इस एनजीओ को बनाया था इसके बाप ने इसकी बिगड़ती हुई इमेज को सुधारने के लिए, क्योंकि जानवर शिकार मामले में तो इसकी इज्जत की फजीहत इतनी ज्यादा हुई थी कि
कैसे अपने शौक के लिए बेजुबान जानवर को मारता है ये, और अपने आप को बड़ा स्टार कहलवाता है। आपको बता दें कि 2008-09 से पहले कोई भी इसको सुपरस्टार जैसे नामों से नहीं पुकारता था। 2008-09 से पहले ये सिर्फ एक गुस्सैल, बदतमीज, सिरफिरा, नशेड़ी और रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद कहलाता था। रही बात इसकी फिल्मों की, तो 2008 से पहले का इसका रिकॉर्ड देख लीजिए। दो चार साल में इसकी इक्का दुक्का फिल्म हिट हो जाती थी, लेकिन 2008-09 के बाद इसका नसीब बदला और लगातार फिल्में इसको इस तरह दे दी गईं जो सुपर हिट होती रहीं। और वो इतनी सारी फिल्में सुपर हिट इसीलिए हुईं क्योंकि वो सारी की सारी जो फिल्में थी वो साउथ की रीमेक थी। लेकिन इतनी हिट फिल्में देने के बावजूद भी एक्टिंग और इम्प्रेशन के नाम पर आज भी ये गोबर का गोबर है। खैर, 2007 में इसके बाप ने इसकी इमेज सुधारने को एक एनजीओ एस्टेब्लिश किया। और सिर्फ जानवर वाला केस नहीं था दोस्तों, 2002 में फुटपाथ पर सोए हुए लोगों पर गाड़ी चलाने वाला जो केस था वो भी आप सबको पता है कि कैसे उस केस में भी इसकी किरकिरी हुई थी। ऐसा हो गया था कि हर तरफ इसकी इमेज एक बैड बॉय के रूप में बनती चली गई। दूसरी तरफ एक बाहर से आया हुआ दूसरा खान, सॉरी हकला खान, वो इंडस्ट्री में लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था, लगातार हिट पर हिट दे रहा था। तो हकला खान और ये सुअर खान स्टार्टिंग से ही आप सबको पता है कि अपने करियर में राइवल रहे हैं, कंपटीशन रहा है इन दोनों का शुरू से ही। तो जब ये देखा कि अरे बाहर से आया हुआ अपने जुगाड़बाजी से एक बाहर का लड़का इतना बड़ा स्टार बन गया, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जुगाड़बाजी शुरू कर दी गई, दिमाग लगाना शुरू कर दिया इसके बाप ने। और इसकी इमेज सुधारने के लिए इसने दो काम किए, पहला काम था एनजीओ को एस्टेब्लिश करना, दूसरा काम था स्ट्रॉन्ग पीआर बनाना, जिसने 2007 के बाद कभी भी खराब बातें इसके बारे में, इस सो कॉल्ड सुपरस्टार के बारे में खराब बातें मीडिया में आने ही नहीं दी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीआर की वजह से खराब बातें सामने नहीं आईं, बल्कि मीडिया को भी खरीद लिया गया था। आप एक चीज सर्च करना कभी, 2007 के पहले इस सुपरस्टार भाई खान के बारे में जो खबरें आती थी, आज इसने किसी को एक्टर से झगड़ा कर लिया, आज इसने किसी फैन को पीट दिया, आज कोर्ट हियरिंग पर जा रहा है, आज नशे की हालत में दूसरे एक्टर को गाली दे रहा है, इस तरह की खबरें ज्यादा आती थी 2007 से पहले। और साल 2008 के बाद की आप खबरें उठाकर देख लो, भाई खान ने ये चैरिटी की, भाई खान ने वो चैरिटी की, आज फैन के लिए ये किया, आज वो किया, मतलब इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया इस बंदे को कि जैसे दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर यही है। पूरे प्लान के साथ इसकी इमेज को सुधारा गया, जो कि आपको पता ही है कि आज इसका लेवल कितना ऊंचा पहुंच गया है। खैर, जब इस एनजीओ को शुरू किया गया था तो हमने आपको बताया कि इसको किस तरह से शुरू किया, उसके पीछे का मकसद क्या था। लेकिन जब ये एनजीओ अच्छे से एस्टेब्लिश हो गया तो इसमें कुछ अलग ही लेवल के काम किए जाने लगे। जब इसे शुरू किया गया था तो इसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई, उनका इलाज मुख्य काम थे। लेकिन इंसान सीधा हो तो दिमाग भी सीधा चले, शैतानी दिमाग था तो कुछ ना कुछ खुराफात उसमें करनी ही थी। इसने क्या किया कि अपनी खुद की फिल्मों की जितनी कमाई होती थी वो सारी की सारी चैरिटी में दान कर दिया करता। चैरिटी का मतलब है कि इस एनजीओ में दान कर देता और उसका कुछ ही हिस्सा अपने पास रखता। उसका एक फायदा होता था कि इसको टैक्स कम पे करना पड़ता था। धीरे धीरे ये अपने साथी कलाकारों की, नेताओं की, दाऊद की ब्लैक मनी भी व्हाइट में कन्वर्ट करने लगा। इसके अलावा ये एनजीओ बच्चों की बीमारी का मुफ्त इलाज कराने का दावा करता है, बीमारी कोई भी हो ये उनका मुफ्त इलाज कराएंगे, ऐसा इनका कहना है। दरअसल ये एक छलावा है दोस्तों, कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, यही हाल इस एनजीओ का है। कहने को ये मुफ्त इलाज कराते हैं, गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज कराते हैं, लेकिन असल में मुफ्त इलाज के बहाने ये ह्यूमन ऑर्गन्स की तस्करी करते हैं। गरीब बच्चे जो अपना इलाज करा नहीं सकते, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, उन्हें मरा हुआ दिखाकर उनके ऑर्गन्स निकाल के इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ऊंचे दामों पर सेल करते हैं। ये ह्यूमन ऑर्गन्स की तस्करी करने वालों का बहुत पुराना बिजनेस है कि गरीब बच्चों से उन ऑर्गन्स को निकाला जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में उनको सेल किया जाता है। और आज के समय में ये सब काम डायरेक्टली नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये बड़े बड़े एनजीओ के द्वारा ये काम किए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस काम में ये अकेला एनजीओ है, लाखों ऐसे एनजीओ हैं इस देश के अंदर जो समाज सेवा के नाम पर इसी गोरख धंधे से जुड़े हुए हैं। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो थोड़ा सा फेमस होते ही क्या करते हैं कि एकदम से अपना कोई एनजीओ खोल देते हैं। कभी सोचा है आपने, ज्यादातर बड़े स्टार्स का अपना एनजीओ है, अपना फाउंडेशन है, अपनी संस्था है, इसीलिए कि किसी और का ना सही, अपना खुद का पैसा तो वो ब्लैक से व्हाइट करेंगे ही, और जो अपना ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहा है वो दूसरे के पैसे को भी व्हाइट करेगा ही, सीधी सी बात है। अब सवाल आता है कि जब ये एनजीओ इतनी ज्यादा अंधेर गर्दी मचाते हैं या मचा रहे हैं तो
राज्य सरकारें क्या कर रही हैं या केंद्र सरकार क्या कर रही है। तो आप इतना समझिए कि सरकारें किसी की भी हों दोस्तों, किसी भी पार्टी की हों, सभी को चुनाव लड़ने को पैसा चाहिए। और वो पैसा भी पार्टी को कोई भी बड़ा नेता जो है वो अपने खुद के पैसे से कभी चुनाव नहीं लड़ता है। सब चंदा लेती हैं बड़े बिजनेसमैन से, ऐसे गोरख धंधा करने वाली संस्थाओं से। आज इन जैसे देशों में लाखों एनजीओस हैं जो न सिर्फ अच्छे से चल रहे हैं बल्कि फल फूल भी रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है उनके फेंके हुए टुकड़े। जिसकी सरकार आती है उसे ये लोग टुकड़ा फेंक देते हैं, जिससे कोई भी इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता है। वैसे तो एनजीओ वाले मीडिया को भी खरीद कर रखते हैं, लेकिन सभी एनजीओ ज्यादातर गरीब लोगों में, गरीब बच्चों में डील करते हैं, तो गरीबों की खबरें तो वैसे भी हाईलाइट कभी हो ही नहीं पाती है मीडिया में, जिससे इन एनजीओ का ये काला धंधा वो हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलेगा भी।